वेलकम इन्वेस्टर्स, ऑन वी स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 25 नवंबर 2020 और आज हम इत परी के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इस स्टॉक में हम किस तरीके से पोजिशनल या स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इत परी का एक मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पे यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम का मंथली सप्लाई खड़ा है जो कि है 357 से लेकर 2388 तक। अगर हम इस मंथली चार्ट को एनालाइज करें तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड एग्जीक्यूट हो रहा था ऑन अ मंथली बेसिस पे और वो डाउन ट्रेंड ब्रेक हो चुका है और अपने इंटरमीडिएट टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो मंथली ट्रेंड जो है वो इस स्टॉक का एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इस मंथली चार्ट पे इस हाइज को यहाँ पर अगर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक मोटे मोटे तौर पे इस हाइस को और यह इस हाइस को कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर एक हमें स्ट्रेट मंथली डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा था जो कि ब्रेक हुआ, स्टॉक का प्राइस ऊपर गया और फिर से अपने मंथली डाउन ट्रेंड को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें दिखाया है। अगर हम देखेंगे तो लास्ट 4 मंथ से स्टॉक एक अच्छा खासा बुलिश अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था और उसके बाद ये जो मंथली कैंडल हमें देखने को मिल रहा है तो सेल ऑफ तो अच्छा खासा हुआ, लेकिन जो सेल ऑफ हुआ उसमें प्राइस अगर हम देखेंगे तो इस मंथली कैंडल के अंदर ही ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, जिसे हम कहेंगे इनसाइड बार ट्रेडिंग। अगर हम यहां पर मैं एक येलो लाइन से ड्रॉ कर देता हूं, देखिए इसका ये जो एक बुलिश कैंडल है इसके हाई और लो को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और आप देखेंगे लास्ट 3 मंथ के जो कैंडल थे वो क्या हो चुके, इसी कैंडल के अंदर ही हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पर जो आपको एक ब्लू कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है जो 290 से लेके तो 260, ये एक हायर टाइम फ्रेम का मंथली डिमांड जोन है और जैसे कि हम देख पा रहे हैं स्टॉक अपने मंथली डिमांड जोन से ऊपर उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं हम वीकली चार्ट पर और ये जो एक ब्लू कलर का लाइन आपको दिख रहा है ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है इस लोस को और इस लोस को कनेक्ट करते हुए यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है जो कि एक वीकली ट्रेंड यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा था। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से जो ये स्टॉक है अपने मंथली चार्ट पे एक बुलिश कैंडल के इनसाइड बार में, जैसे कि हम इसे कहते हैं एक बॉक्स या बेस ट्रेडिंग या साइडवेज ट्रेडिंग, ये स्टॉक अपने सप्लाई के पास आने के बाद इसने देखी यहाँ पर साइडवेज ट्रेड किया और इस साइडवेज ट्रेड को ब्रेक करने के बाद स्टॉक ऑन वीकली चार्ट पे लास्ट 4 वीक से एक अप ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस मंथली डिमांड जोन के अंदर मैंने एक ब्लू कलर का जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है ये एक वीकली डिमांड जोन है और अब चलते हैं हम छोटे यानी डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक एक अच्छे खासे बुलिश अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे भी हमने प्रीवियस 2 लोस को कनेक्ट करके डेली अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये स्टॉक का प्राइस इस मंथली, वीकली या डेली ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। फॉर टारगेट होगा हमारा 360 का। तो ये था इत परी का एक स्विंग और पोजिशनल ट्रेड का सेटअप। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।